नर्सिंग कर्मचारियों का सातवें दिन भी गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी। नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सात दिन से गांधीवादी तरीके से प्रदेश आह्वान पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां आज सातवें दिन जेएलएन अस्पताल के 10 नर्सिंग कर्मचारी ने भूख हड़ताल पर जाकर कार्य कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन अजमेर शाखा के जिला अध्यक्ष गंगा शरण जाठव ने बताया कि सात दिन से प्रदेश आह्वान पर सभी नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसको लेकर आज अजमेर जेएलएन अस्पताल के 10 नर्सिंग कर्मचारी भूख हड़ताल पर जाकर कार्य कर विरोध प्रदर्शन जताने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने बताया कि हर दूसरे दिन 10 नर्सिंग कर्मचारी भूख हड़ताल पर जाकर कार्य करेंगे और इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर इसके बाद भी राजस्थान सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो राजस्थान के सभी नर्सिंग कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। पिछले सात दिन से हम पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर के नीचे हम गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे आंदोलन का सातवां दिन है, जिसके अंदर हमने काली पट्टी बांध के और हमारे 10 नर्सेज जो कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, एक दिन का उपवास रखते हुए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी 10 सूत्रीय मांग रखी गई थी नर्सेज की, जो कोविड-19 जैसी महामारी के अंदर भी नर्सेज इसको लड़ रही थी, लेकिन सरकार ने उसके फलस्वरूप कुछ भी नहीं सुना। 12 मई को हमने ये सरकार से तीन मुख्य मांग रखी गई, केंद्र के समान हमारे जो सीनियर नर्सिंग हैं उनको नर्सिंग ऑफिसर प्रथम और जो नर्स ग्रेड सेकंड है उनको सीनियर जूनियर नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए, लेकिन सरकार ने उस मांग के ऊपर भी हमारी कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी हमारी मांग ये रखी थी, जो हाल ही में चयनित संविदा नर्सेज हुए थे उनके पद स्थापन उनका प्रोबेशन पीरियड है वो 29 अप्रैल से जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने उस पर भी विषय पर भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी मांग हमारी है, जितने भी हमारे NRHM UTB साथी लगे हुए हैं, जो GNM है उनकी सैलरी 26,500 और जो NM नर्सेज साथी हैं उनकी सैलरी 18,500, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर भी संज्ञान नहीं लिया। सरकार हमेशा नर्सेज का शोषण कर रही है और नर्सेज को दबाने का काम कर रही है। आज फिर भी हमने गांधीवादी तरीके से आज पिछले हम 2.5-3 महीने से लगातार कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार ने हमें कोई किसी तरीके का कोई एक दिन का भी अवकाश नहीं दे रहा है। उसके बाद भी हम मरीजों के लिए रात दिन लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारा शोषण कर रही है। जब हमारी मांगे के लिए हम मांग पत्र सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर आज तक की डेट के ऊपर हमारा कोई भी सुनवाई नहीं है। अगर सरकार आगे भी हमारी बात मांगे, जो मुख्य हमने मांग रखी है 10 मांग रखी है, अगर सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती है तो प्रदेश लेवल के ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे और जैसे प्रदेश नेतृत्व का आह्वान होगा उसके आगे हम वैसे ही पूरे राजस्थान के अंदर सारे नर्सेज सड़कों पे आएंगे और इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार खुद होगी। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी, RNA वाइस प्रेसिडेंट, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। प्रदेश आह्वान पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले सरकार से 12 मई से हमारी आज दूसरे चरण का सातवां दिन है काली पट्टी बांधते हुए। साथ ही हमने हमारे जो आंदोलन का जो प्रारूप है गांधीवादी तरीका से, उसमें हमने कुछ फेरबदल किया है कि काली पट्टी के साथ साथ हम 10-10 नर्सिंग कर्मचारियों को उपवास पर बैठाएंगे उनकी स्वेच्छा से और काम करेंगे। हमारी मांग थी कि नर्सेज का जो पदनाम है वो चेंज किया जाए। नर्सेज का पदनाम चेंज किया है कि जो नर्स ग्रेड 2 है उसको नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रथम उसको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर माना जाए। दूसरा है, जो विभाग ने 28 अप्रैल को संविदा नर्सेज को नियमित करने के लिए एक आदेश जारी किया था कि संविदा नर्सेज को नियमित किया जाता है, लेकिन वो आदेश के नाम पर लीपापोती की गई है। हम चाहते हैं कि जल्दी ज्वाइनिंग लेटर जारी करके और हमारा जो प्रोविजन काल है 29 अप्रैल से माना जाए, तथा जो NRHM और संविदा पर जो लगे हुए हैं NHM के तहत वो GNM नर्सेज को जो है 26,500 दिया जाए, तथा जो ANM है उसको 18,500 दिया जाए। सरकार से हम बार बार में नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगें सुनो, हम काम करेंगे, हम कंधे से कंधा मिला के हम अतिरिक्त कार्य भी कर रहे हैं। अधिकतर जो नर्सिंग स्टाफ है 2-2, 3-3 घंटे अतिरिक्त कार्य कर रहा है ताकि सरकार के और प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो विश्वव्यापी कोविड महामारी है उससे कंधे से कंधा मिलाकर हम लड़ रहे हैं साथ में, लेकिन सरकार हमारी जो मांगे हैं उनको नजरअंदाज कर रही है। आज हमने उपवास पे 10 नर्सिंग कर्मचारियों को बैठा है, राजवीर सिंह, राकेश चौधरी, रणवीर चौधरी, गंगाशरण जाटव, मनीष नामा, परमेश्वर लाल रैगर, दीपक सेन, आत्माराम मीणा, बत्तीलाल मीणा, धर्मेंद्र गिट्ठाला, ये 10 कर्मचारी हैं जो आज उपवास पर रहते हुए काम करेंगे एक दिन के लिए। फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, हम 10 कर्मचारियों को अगले दिन बनाएंगे। मैं गंगाशरण जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर।